द पोयम अबू बैन एटम, इट इज द नेम, नाम है ये अबू बैन एटम, ये नाम है ठीक है। और पोयम की स्टार्ट भी इसी लाइन से होती है, अबू बैन एटम। एंड द पोयम इज रिटन बाय ली हंट, ली हंट इसका राइटर है, पोयम का पोइट है। तो देखिए पोयम में क्या कहता है, ली हंट बोलता है, अबू बैन एटम मे हिज ट्राइब इंक्रीज, मे हिज ट्राइब, ट्राइब का मतलब वैसे तो कबीला होता है, वंश कह सकते हैं हम यहाँ पर, बढ़े उसका वंश बढ़े, लेकिन वंश बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई अबू बैन एडम के पर्टिकुलर उसकी फैमिली की बात कर रहा है या उसकी ही जनरेशन की बात कर रहा है। मे हिज ट्राइब इंक्रीज का मतलब यहाँ पे ये है कि अबू बैन एडम जैसे लोगों की संख्या बढ़े। अब क्यों बढ़ी अबू बैन एडम जैसे लोगों की संख्या, या अबू बैन एडम जैसे लोग और क्यों हूं, ये हम इस पोयम में अबू बैन एडम के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो अब देखिए, तो ब्रैकेट में दे रखा है, अबू बैन एडम अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, अबू बैन एडम अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, पीस मीन्स शांति से एक सपना ले रहा था, ड्रीम ऑफ पीस था, उससे उठता है एक रात, एंड सो नथिंग द मून लाइट इन हिज रूम, एंड सो विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, और देखता है, सपने से उठता है और सपने से उठने के बाद में देखता है विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, कि उसके रूम में जो मून लाइट थी, चांद की रोशनी थी, उससे देखता है, मेकिंग इट रिच, जो चांद की रोशनी को क्या चीज देखता है, कि वो देखता है कि वो चांद की रोशनी और रिच हो रही थी, और रिच मीन्स और घनी हो रही थी, एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, वो चांद की रोशनी ऐसे जैसे कि लिली फ्लावर्स जो है ना, वो ब्लूम मीन्स खिला हुआ हो, लिली का फूल खिला हुआ हो, एन एंजल राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड, यानी कि मूनलाइट में एक एंजल, एंजल का मतलब क्या होता है, फरिश्ता, जैसे देवता बोल देते हैं ना ऐसे ही फरिश्ता, बुक ऑफ गोल्ड, सोने की बुक में कुछ लिख रहा था। जब वो सपने से उठता है तो वो देखता है कि मूनलाइट में, वो देखता है उसके कमरे में पूरा किससे, उसके रूम पूरा किससे भरा हुआ था, मूनलाइट से भरा हुआ था, और मूनलाइट में उस ऐसे दिख रहा था जैसे कि कोई लिली फ्लावर्स खिला हुआ हो, एक एंजल गोल्ड की बुक में लिख रहा है। एक्सीडिंग पेस हैड मेड बैन एडम बोल्ड, एक्सीडिंग पेस, और बढ़ती हुई अत्यधिक शांति, और बिल्कुल शांति थी भाई रूम में, हैड मेड बैन एडम बोल्ड, उसने बुक बैन एडम को बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया, हिम्मत दे दी इस बढ़ती हुई पीस ने, शांति ने। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और जो रूम में प्रेजेंट था, कौन था रूम में प्रेजेंट, एंजल, उससे कहा, व्हाट राइट्स दाउ, राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स, ये पहले इंग्लिश में राइट्स लिख देते थे, राइटेस्ट लिख देते थे, सॉरी राइटेस्ट लिख देते थे, राइटेस्ट का मतलब राइट होता है ठीक है, व्हाट राइटेस्ट दाउ, दाउ मीन्स यू, T-H-O-U, ये Y-O-U है ठीक है, तो what write you, अबू बैन एडम ने पूछा आप क्या लिख रहे हैं, the vision raised its hand, और जो वो आकृति थी उसने अपना सिर उठाया, raised means उठाया, and with a look made of all sweet accord, और भाई look means अपनी नजर डाली, कैसी नजर भाई, with sweet accord, बड़े ही मधुर सहमति वाली नजर से देखा उसने, answered, देखकर मतलब with a look, बड़ी मधुर दृष्टि के साथ देखते हुए उसने आंसर किया, उत्तर दिया, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, उसने पूछा था ना क्या लिख रहे हो, तो उसने कहा मैं तो नाम लिख रहा हूं उनके जो भगवान से प्यार करते हैं, एंड इज माइन वन, सेड अबू, अबू ने कहा मेरा भी है, ने नॉट सो, उसने कहा नहीं तुम्हारा नहीं है, रिप्लाइड द एंजल, एंजल ने उत्तर दिया, अबू स्पोक मोर लो, अबू और थोड़ा सा धीरे बोला, बट चीयरली स्टिल, लेकिन खुश अभी भी, उसने कहा ना कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं है उनमें जो भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन अबू धीरे बोला लेकिन फिर भी खुश, एंड सेड आई प्रे दी, दी का मतलब यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, राइट मी एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन, राइट मी एज वन, मेरा नाम लिख दो किसके तौर पर, जो अपने फेलो, अपने साथियों से प्यार करते हैं, जो इंसानों से प्रेम करते हैं, उनमें लिख दो मेरा नाम। द एंजल रोट एंड वेनिस्ट, एंजल ने लिखा उसका नाम, एंड वेनिस्ट मीन्स डिसअपीयर्ड, गायब होना। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, अगली रात को ये फिर आया विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, मीन एकदम से चौंधिया देने वाली लाइट, या बिल्कुल
प्रकाशमान कर देने वाली या जगा देने वाली लाइट के साथ, बहुत तेज रोशनी के साथ ही अगली रात को फिर आया। कौन आया? एंजल। एंड शोर द नेम दोज हु लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और उसको वो नाम दिखाए जिन्हें भगवान का प्यार आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है, वो नाम दिखाए, यानी कि भगवान जिनको प्यार करता है वो नाम दिखाए। एंड लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, और उसमें क्या था, बेन एडम का नाम सबसे ऊपर था, लेड ऑल द रेस्ट मीन सबसे ऊपर था बेन एडम का नाम। ठीक है, तो ये पोएम का मैसेज क्या है कि गॉड लव दोज हु लव देयर फेलो मैन, भगवान उनसे प्रेम करता है जो दूसरों से, जो इंसानों से प्रेम करता है, भगवान उसी से प्रेम करता है। जो भगवान से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, पोएम का मैसेज ये है, यदि हम इंसानों से प्रेम करते हैं, इंसानियत से प्रेम करते हैं, तो हमें भगवान का आशीर्वाद ब्लेस उसका लव हमें मिल सकता है।